हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट ऑल द टॉपिक्स ऑन जीआरई एंड टोफिल। तो सबसे पहले जीआरई किसको देना चाहिए। तो अभी करंट सिचुएशन में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जीआरई का स्कोर नहीं मांग रहे हैं, बट जैसे जैसे सब खुलेंगे उसके बाद ये लोग मांगेंगे। तो इट्स बेटर दैट यू राइट जीआरई इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज़। और टोफिल हम लोग को हमेशा लिखना ही पड़ता है क्योंकि इंग्लिश हम लोग की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन USA, यू हैव टू गिव GRE एंड TOEFL। मिस के लिए आपको GRE जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना होता है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिर आपको वो सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल GRE सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग जनरल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं, GRE का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। टोटल मार्क्स आर 340 और इसके अंदर मेनली दो पार्ट्स होते हैं, क्वांट्स और वर्बल। और एक सेक्शन रहता है राइटिंग का जिसमें आपको एसे वगैरह लिखना होता है। और उसके बाद बात करते हैं टोफिल IBT। तो टोफिल IBT इज़ अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इसमें सिर्फ आपको टेस्ट करते हैं कि क्या आप यहाँ पे आने के बाद एक्चुअल में यहाँ पे समझ पाओगे, इंस्ट्रक्शंस को समझ पाओगे, क्या बात कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये टेस्ट जो होता है चार पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और ये 3 घंटे का होता है। GRE is 3 hours 45 minutes का, और इसका जो स्कोर है वो 5 साल तक वैलिड रहता है। और ये आप इधर पे देख सकते हो, मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है टोफिल के स्कोर का। अब रजिस्टर कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन है, पेपर बेस्ड भी होता है GRE तो, बट जनरली सब ऑनलाइन ही देते हैं। और उसका दोनों का ETS पे अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। टोफिल और GRE की प्रिपरेशन के लिए देर आर मेनी रिसोर्सेज। आप मगूश डाउनलोड कर सकते हो, उसका ऐप आता है, उनका पैकेज भी आता है, बैरेंस, कैपलान। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आपका जब पूरा हो जाए अच्छे से तैयारी, उसके बाद ही जो आपको ETS से फ्री मॉक टेस्ट मिले हैं सिर्फ उसके बाद ही देना। और ETS के मॉक टेस्ट में भी क्या होता है कि 2 टाइम्ड होते हैं और जो तीसरा वाला होता है वो अनटाइम्ड होता है, तो उसमें आपको इतना आइडिया नहीं लग पाता है। तो जनरली इफ़ यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉई या फिर आप स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आप बहुत बिजी रहोगे, तो इसलिए इट इज़ आई एम एडवाइजिंग यू टू स्टार्ट अर्ली। तो वीकडे में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं 2-3 घंटा पढ़ती थी वीकडे में। तो जब मैं ट्रैवलिंग कर रही होती थी तब पढ़ती थी, तो 1 घंटा जाने का आने का, और फिर शाम को थोड़ा टाइम मिला तो पढ़ती थी। बट वीकेंड पे आई यूज टू स्टडी फॉर लाइक 5 to 6 hours। इतने GRE का एग्जाम लिखते हो ना, तो एग्जाम खत्म होने के बाद ही यू गेट योर स्कोर ऑन स्क्रीन, आपका टोटल जो भी परफॉर्मेंस है वो आ जाता है। एंड देन आपको चार कॉलेजेस को सेंड कर सकते हो, वो ऑप्शन मिलता है। ओके, तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।